कहां जा रहा है मेरा देश, कहां जा रहा है मेरा समाज? बेटियों की चिंता करते हो लेकिन बेटों को बिगड़ने से नहीं रोकते हो, कैसे काम चलेगा? अजामिल जैसा वेदपाठी ब्राह्मण एक गंदा दृश्य देखकर बदल गया, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो रात दिन गंदी फिल्में देखते हैं? मोबाइल आपने उनके हाथों में बढ़िया सेट दे दिए हैं कि उन्हें पर्दे पर देखने की जरूरत ही नहीं। कभी मोबाइल सेट देने के बाद पूछा भी है क्या देखता है इसमें? नहीं पूछा होगा, और न वो पूछने देंगे। बोले डैड डोंट डिस्टर्ब मी, इट्स माय लाइफ, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ, यू डोंट हैव एनी राइट, ओके, दिस इज माय फंडामेंटल राइट, आई डू व्हाटएवर आई लाइक। ले ले श्रवण कुमार पैदा करो तेने दल ले या धरिया और लिया, एक और कर लियो श्रवण कुमार को छोटो भैया राम कुमार। संग सुधारिए जीवन सुधर जाएगा, संग बिगाड़ लीजिए जीवन बिगड़ जाएगा। अजामिल का एक गंदा दृश्य उसका चरित्र बर्बाद करके वेदपाठी ब्राह्मण ऐसी स्त्री के मोह में आ गया और ऐसा गिर गया कि जानवरों को मारता है, मारकर बाजार में बेचता है चर्म को, उससे जो धन मिलता है वो इस स्त्री को लाकर देता है। लेकिन जब भगवान को कृपा करनी होती है, बहुत बड़ी कृपा जब करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जीवन में सत्संग इन्वॉल्व कर देते हैं जब उन्हें कृपा करनी होती है। अभी घर जाके क्या सोचोगे वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, नहीं पूछूंगा। अभी एक बात बताओ, जब से आप इस कथा में बैठे हो, जब से इस कथा में बैठे हो और अभी टिल 5:49 अभी तक आपके मन में स्थिति क्या बनी हुई है, अच्छा करने की कि बुरा करने की? जोर से बोलिए। कुसंग पाने की कि अच्छा संग पाने की? जोर से बोली। जो लोग नहीं बोल रहे मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपका सेनापति आपके पास नहीं है। जिसका सेनापति जिसके पास नहीं है उसे समझ में आई भी नहीं होगी पूरी कथा, लेकिन जो सेनापति के साथ में लेके बैठे हैं उनके सैनिक काम कर रहे हैं अपना। तो कृपा करके बताइए, अच्छा संग पाने की इच्छा है कि बुरा संग? किसका फल है? सत्संग का। 3 बजे से जो आप कथा सुन रहे हैं, 5:50 तक जो आपने कथा सुनी है, ये उसका फल है। उस श्रवण का फल है जिससे मेरा मन परिवर्तित हो गया, ये देती है कथा। लेकिन इसके बाद इसी चीज को ना उतारे जीवन में और बुरे संग को फिर उतार ले, जाके शाम को फिर बैठ जाए पीने। महाराज ने तो शाम को अच्छा कहा था, आनंद नहीं, इसके बिना चैन नहीं। गई भैंस पानी फिर गई, कुसंग मिला तो महाराज जी के साथ जो 3-4 घंटे बैठे थे सब बर्बाद कर लिया। इसीलिए कहता हूं, एक नाव में सवारी करो मेरे भाई बहन, या तो डूबने की तैयारी करो या फिर पार होने की तैयारी करो। अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ, वक्त है। प्यारे, एक दिन भगवान ने कृपा की और ऐसी कृपा की, अजामिल गया था वन में और पीछे से एक संतों की टोली अजामिल के घर पहुंच गई। अजामिल के घर पे उसकी पत्नी गणिका ऊपर केस सुखा रही थी और संत अपनी मस्ती में गाते चले जा रहे थे, जो मैं गाऊंगा नहीं आज, बिना भजन के पूरी कथा, नो इंटरवल।
कोई इंटरवल नहीं आज आपका। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कोई भजन के मूड में भी नहीं है, आज सिर्फ कथा के मूड में लोग बैठे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे सच्चे में, क्योंकि आपका मूड, आपका फेस बता देता है व्हाट डू यू वांट। व्यासपीठ अंडरस्टैंड एवरीथिंग। व्हेन यू नीड भजन देन आई सिंग अ सॉन्ग, व्हेन यू नीड कथा तो विदाउट एनी भजन आई कंप्लीट माई 3 hours। अभी हुए नहीं, करूंगा। अभी जो 6 बजने दो तो मेरे प्यारे अजामिल के घर पे संत पहुंचे, और संतों की भाषा क्या है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जिन जिन ने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे। ये एक एक कथा का शब्द क्या है, दुनिया कहती है मोती, मैं कहता हूं हीरा, डायमंड है, और डायमंड की तो फिर भी कीमत है, ये डायमंड से भी ज्यादा अनमोल है एक एक शब्द। जिन जिन ने ये हीरा लूटे, जिन जिन ने ये माणिक लूटे, जिन जिन ने ये मणियां लूटी, मणि का मतलब जानते हैं हम, मणि क्या, जो लोहे का स्पर्श करे तो, पारस पारस कुघात सुहाई, पारस का स्पर्श अगर मणि का स्पर्श हो जाए लोहे से तो उसको सोना बना देती है, क्या बना देती है। यहां बुरे से बुरा व्यक्ति अगर 7 दिन कथा सुन ले, मेरा वादा है वो लोहा भी खरा सोना बनेगा। लेकिन काव जब सेनापति के साथ कथा सुने, ऐसा ना हो कि फोन पे लगा रहे और 7 दिन यही जम के बैठा रहा है बीवी के डर से, और कहे कि मैं तो तेरे साथ कथा सुनने गया था, क्यों नहीं सुधार सकी तेरी महाराज की कथा मुझे। अरे बबुआ, कथा में भी बैठ के सेनापति तो तेरा सौंप पे ही था, कथा में तो तेरी मजबूरी तेरा शरीर था। अगर पूरा शरीर और सेनापति कथा में है, मेरा वादा है बजेगी बांसुरिया मिलेगा सांवरिया। जिन जिन ने ये मणियां लूटी वे सब माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। सोने चांदी वालो सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अभी यही शोर 6 तारीख से, क्या तारीख तक था मुंबई में, 6 से 13 मुंबई में यही शोर मचा के आ रहे हैं। अभी पुणे में मचा रहे हैं शोर 24 से लेके 31, और यही शोर मचाएंगे बंगाल में जाके 4 से लेके कोलकाता 10, फिर कहां जाएंगे हम, वृंदावन 12 तारीख पाटोत्सव वहां शोर मचाएंगे, फिर कहां जाएंगे प्रयागराज 14-15 वहां शोर, फिर जाएंगे कहां लखनऊ नवाबों की नगरी 17 से वहां शोर मचाएंगे, फिर चले जाएंगे बेंगलोर 26 से वहां शोर मचाएंगे, फिर चले जाएंगे वहां हिमाचल, सरकार अभी नई बनी है वहां जाके शोर मचाएंगे, शोर मचाते रहेंगे। परमात्मा से प्रार्थना है जब तक जिंदगी रहे, जब तक सांस में सांस रहे, हे गोविंद तेरी कथा तेरे गुणान बाद मेरे इस जुबान पे रहे, ऐसी कृपा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, मैं यहां पर भी मैं देख रहा हूं कई अच्छे खासे धनवान लोग बैठे हैं, सो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, पर मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करूंगा, ईमानदारी से बताना क्या सिकंदर से ज्यादा आपके पास है,
प्लीज एक मिनट सोचना है भैया, रुक जाओ, आप सोचो ईमानदारी से, क्या सिकंदर से ज्यादा आपके पास है? बोलो, हमारे देश के सीएम के पास जितना, एक अकेले सीएम के पास जितना है उतना तुम पे है? कितने सीएम है हमारे देश में, कितने सीएम? तो तुम्हारी गिनती कहां आएगी, कहीं आएगी? एम ए खुदा बनता रहता है, मैं पैसे बाला पैसे बाला। कितने लोग डोल रहे पीछे आ गए, कोई पैसे वाला नहीं है। ये तो वो कांच का महल है जो इधर चारों तरफ तू ही तू नजर आता है, लेकिन एक पत्थर उस कांच के महल में मार के देख, तुझे तेरी औकात समझ में आ जाएगी, कहीं नहीं है, तू अकेला है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अब ये बात बड़ी धीरे से कह रहा हूं, सुनना। तेरी काया माटी होगी, तेरी काया सुनना माटी होगी, माटी जिसपे बड़ा परफ्यूम लगाया था। आजकल क्या चल रहा है, लड्डू चल रहा है, लड्डू खा ले, गणेश जी ये भोग लगाए के, क्या चल रहा है, इमरती, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, और आजकल के यंग बच्चों के लिए आजकल पिज्जा चल रहा है ना। तेरी काया माटी होगी, चर्चा होगी गली काका, फलाने बोले सेठ जी गए, फलाने साहब गए, वो तो नगर सेठ गए, अरे कल तो वहां वो पार्टी में पी जो आज गए, होय राम ऐसा पी जो खाया गए, इतना पैसा था हॉस्पिटल डॉक्टर बोला गए। आप हंस के इस बात को टाल भी सकते हैं, अथवा एक सेकंड के लिए इतना समझ लीजिए, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा कोई भी वस्तु उस समय तुम्हारे काम आने वाली नहीं है जब भगवान का परमानेंट परफेक्ट कॉल आ जाएगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। तो मेरे भाई बहन, मत दिल किसी का दुखाओ, और यकीन मानिए दिल अपना भी मत दुखाओ। अगर बुरे कर्म करोगे तो दिल तुम्हारा भी दुखेगा। इसलिए अजामिल के द्वार पर जब संत आए, गणिका ने ऊपर से देखा, संत ऐसे ही मस्ती में झूमते हुए गाते हुए चले आ रहे थे। भजन नहीं गाया मैंने, टाइम लगता, पंक्ति सुना दी आपको जो आपके काम की थी, ये तो रह गया बहुत पीछे। वहां जो व्यक्ति न समझ पाए कहां रह जाते हैं, कई बार लाइफ निकल जाती और हम समझ नहीं पाते। तो गणिका ने कहा महाराज, संतों ने देखा वहां बगीचा है, तो संत सोचे यहां थोड़ी देर बैठ लेते हैं। तो संतों को रोका, तिष्ठति नाम साधो, ठहरिए महाराज, इसमें मत जाइएगा। महात्मा बोले धूप पड़ रही है, थोड़ी देर आराम करेंगे, कौन सा तेरे बगीचे को अपने साथ में ले जाएंगे। तो संतों ने कहा हम तो यहां थोड़ी देर विश्राम करेंगे। वो स्त्री लो दौड़ कर आई नीचे, बोले आप इस बगीचे में मत जाना। बोले बेटी एक बात बता, ये बगीचा तेरा है? बोले हाँ मेरा है। तो हम बगीचा थोड़ी लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और अपने घर चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हमारी यात्रा। बोले महाराज मैं इसलिए मना नहीं कर रही, आज पहली बार बेटी सुना है, ऐसी स्त्री को कोई बेटी कह सकता है क्या? सही बताना, संत कह सकते हैं।
संतों का हृदय ऐसा होता है कि संत कह सकते हैं। ये अलग बात है, आजकल संतों के पीछे ये हमारा देश या कुछ तथा कथित लोग पड़ गए हैं, लेकिन सच बता रहे हैं, संत न होते जगत में तो जन्म मरतो संसार। अगर संत न होते तो आज ये भारत इतना पूज्यनीय नहीं होता, इतना वंदनीय नहीं होता, इतना प्रशंसनीय नहीं होता। ये तो भाव में बह रहे हैं, एक कर देता है सब लोगों को, आप उस लाइन में खड़ा कर देते हो। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, तो हमने एक बात कहा कि बाप के द्वारा बेटी शोषित हो चुकी है, और उस समाज पे ये चिंतन करना चाहिए कि इतना दूषित कैसे होता चला जा रहा है हमारा समाज। जरूर इसमें कोई बहुत गहरी गुनाह हम लोग करते चले जा रहे हैं। खैर, हम जैसे लोग बोलेंगे तो कहेंगे ये तो ऐसे बोलेंगे, तो आप खुद से चिंतन कीजिए, कभी आपको खुद भी पता चलेगा। तो बेटी कोई नहीं कहेगा ऐसी स्त्री को। संत ने कहा, पूछा, आपने मुझे बेटी कहा बिना ये जाने कि मैं कौन हूं। बोले, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है। बोले, आप मुझे जानते हैं, लोग मुझे वैश्या, गणिका और न जाने कुलटा किस किस बुरे नाम से बुलाते हैं, आप मुझे बेटी कह रहे हैं। बोले, तो भी बेटी तुम समाज के लिए जो भी हो, हमारे लिए तो तुम बेटी हो। क्या ऐसी बुरी स्त्री को भी आप बेटी कह सकते। बोले, फिर हमारी नजर में सब बेटी है, हमें फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति की आत्मा कभी बुरी और अच्छी नहीं होती, व्यक्ति के कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, और हम जैसे बेटी कह रहे हैं वो तुम्हारी दिव्य पवित्र आत्मा है। महाराज, आप रुकिए, आप ठहरिए, मैं आपकी बहुत, उसने सूखी सामग्री रख दी। महाराज, हम तो सेवा नहीं कर सकते, हम अपवित्र हैं, हम तो दूषित, लेकिन आप यहां रुकिए। तो सेवा हुई। अब ये अजामिल की पत्नी है, सोच रही है कि वो दुष्ट आ रहा होगा, कोई जंतु मारा होगा, उसके रक्त से लथपथ हो रहा होगा, तो ऐसे अमंगल रूप में संतों के सामने जाना ठीक नहीं। तो वो स्त्री जल लेकर दौड़ी, जल का पात्र लेकर दौड़ी, और वो क्या नाम है, वो वस्त्र भी लेकर गई, और देखा जंगल में से आ रहा है, आज उसने मृग मारा है, और मृग चर्म उसके कंधे पर पड़ी है, सारा बदन रक्त से लथपथ हो रहा है उसका, उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये सब गुनाह मेरी वजह से करता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीब होना, और उससे भी बड़ा दुख है अनाथ होना। जिंदगी अगर एक जंग है तो सबसे ज्यादा जिंदगी की जंग असहाय, अनाथ एवं गरीब बच्चे ही लड़ रहे हैं। वैसे तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसके भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही भगवान जब किसी महापुरुष को सत प्रेरणाओं से प्रेरित कर उनको माध्यम बनाकर समाज सेवा की ओर अग्रसर करते हैं, तो भगवान की कृपा एवं दयालुता का एहसास स्वतः होने लगता है। कुछ इसी तरह का विचार शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित हुआ। विचार था असहाय बेघर अनाथ बच्चों के लिए आशियाना बनाकर उन्हें शिक्षा के प्रकाश से रोशन करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। पूज्य ठाकुर जी एक ऐसा ही आश्रय बनाने जा रहे हैं, जहां उन बच्चों का संपूर्ण विकास एवं उनके भविष्य का निर्माण होगा। शिक्षा, संस्कार, देश प्रेम, खेल, उच्च कोटि की प्रतिभा बच्चों में रोपित की जाएगी। इसी सत प्रयास के साथ आओ हम सब भी ब्रज भूमि पर बनने वाले इस अनाथ आश्रम में अपना योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें, एवं परम पूज्य ठाकुर जी के कंधे से कंधा मिलाकर इस सपने को पूरा करें।